अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया कि उनको सपने में श्री कृष्ण भगवान आते हैं और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बनेगी, क्या कहना है सर उसके बारे में? सर देखिए, यह जाति प्रधान देश है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मध्य प्रदेश गए थे तो हनुमान जी की जाति उन्होंने बता दिया कि हनुमान जी दलित थे, और सारे लोग जानते हैं कि भगवान राम क्षत्रिय थे, पढ़ाया भी जाता है भगवान राम क्षत्रिय थे, ये भी पढ़ाया जाता है कि कृष्ण भगवान यादव थे, यदुवंशी थे। तब तो जातिवाद चल रहा है ना, जी जी जातिवाद, तो कृष्ण भगवान तो अखिलेश जी क्या ना ज़्यादा आएंगे भैया। काम जो दंगाई है वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी को जीप से उतार दिया जाता है, क्योंकि अपराधी मुख्यमंत्री का बिरादर था, इस नाते उतार दिया गया। अगर वही कहीं भर होता, आहिर होता, चौहान होता, बिंद केवट मुल्ला मुसलमान होता तब तो जेल चला जाता। तो अपराधियों को संरक्षण जाति चीन की दी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और करते का हैं। दो दो दामाद भारतीय जनता पार्टी के, शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी, सारे लोग जानते हैं। प्रवीण तोगड़िया हिंदू के बड़े ठेकेदार अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं, हमको हिंदू बना करके कहते हैं कि नहीं मुसलमान को भगाना है। कैसे संभव है? एक तरफ आप रोटी बेटी का संबंध करते हो, हमसे कहते हो कि नहीं इनको भगाना है, कैसे संभव है? घर में रखोगे और भगाओगे कैसे?